नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। आपने अक्सर चोरों को चुपचाप घर में घुसकर सामान चोरी कर देखा होगा। कई बार धार्मिक स्थानों पर चोरों को घुसकर कीमती गहने और दान पेटी से चोरी करते हुए देखा होगा। लेकिन क्या कभी किसी चोर को भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद चोरी करते हुए नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा। लेकिन जबलपुर में ऐसी ही चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें एक अतिरिक्त चोर मंदिर के दरवाजे का ताला तोड़कर उसमें प्रवेश करता है, फिर भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। इसके बाद वहां रखी दान पेटी, घंटे व अन्य सामान चोरी करके फरार हो जाता है। चोरी का अनोखा तरीका मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद मंदिर समिति अध्यक्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। चोरी की अनोखी घटना जबलपुर के माडोताल थाना अंतर्गत सुखा गांव में हुई है, जहां चार दिन पूर्व लक्ष्मी मंदिर में अज्ञात चोर ने वारदात को अंजाम दिया। चोर बकायदा चेहरा ढककर मंदिर पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक अज्ञात चोर ने मंदिर में रखी दान पेटियों चोरी की है, जिसमें करीब 800 रुपये होने की संभावना है। मंदिर में रखे घंटे एवं अन्य सामान भी गायब मिले हैं। अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ग्राम सूखा क्षेत्र अंतर्गत थाना माड़ोताल में विगत 3 दिन पहले बीती रात को एक चोर द्वारा मंदिर में जाके वहाँ की जो दान पेटी है उसको ले जाते हुए दिखा, जिसके संबंध में वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी की जांच पड़ताल की गई, जिस पे वो वीडियो जो आप सभी को प्राप्त हुआ है उसमें वो पेटी ले जाते हुए दिखा है, जिसके द्वारा जो ग्राम के पुजारी हैं उन्होंने आके थाने में ये सूचना दी है कि लगभग उसमें 700-800 रुपये थे, जो कि एक अज्ञात चोर द्वारा लिए गए हैं। इस संबंध में विवेचना जारी है और उसको पकड़ने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के इलाकों में भी शिनाख्ती के लिए और इस टाइप के जो उसने कपड़ा और हुलिया पहना है वो सभी को दिखा के उनसे पूछताछ जारी है। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।